हेलो फ्रेंड, अगर आप एक पेटीएम के यूज़र इस्तेमाल करते हैं और कोई फ्रेंड, फैमिली, रिलेटेड या कोई काम से आपको पेटीएम पे पैसा भेजता है, आपको पेमेंट रिसीव होने का मैसेज भी आता है, पैसे का मैसेज आता है, लेकिन आप अपने अकाउंट जो पेटीएम चेक करते हो तो आपको पैसा प्राप्त नहीं होता है, जो पैसा आपको अगले दिन आता है। तो आज की इस वीडियो में हम कैसे आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आपके वो पेटीएम पर्सनल अकाउंट में ना आकर आपके बिजनेस अकाउंट चला जाता है, इसे रोकेंगे और आपको जो भी पेमेंट भेजता है वो इंस्टेंट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए, उस प्रोसेस को आज हम समझेंगे। तो अगर आप पेटीएम के यूज़र इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ भी ऐसा इशू है कि पेमेंट भेजता है कोई पेटीएम पे और आपका पेमेंट नेक्स्ट डे आता है, मैसेज इंस्टेंट आता है लेकिन पेमेंट नेक्स्ट डे आता है, तो क्या करेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होता क्यों है इस चीज को हम समझते हैं। देखो, पेटीएम जब हम बनाना चालू करते हैं तो हम पेटीएम जब सर्च करते तो पेटीएम बिजनेस भी एप्लीकेशन है, जो एक मर्चेंट के लिए, जो दुकानदार बिजनेस करते उनके लिए होता है, पेटीएम जो नॉर्मल हम यूज करते हैं उसके लिए होता है। हम क्या करते हैं, हमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस अकाउंट को भी बना लेते हैं। एंड पेटीएम एक दिक्कत है, कोई बंदा अगर वो पेटीएम इस्तेमाल कर रहा है और आपको भेज रहा है और आपको पेटीएम अकाउंट भी और पेटीएम बिजनेस अकाउंट भी है, अगर वो पैसा आपके नंबर डालकर भेजेगा तो वो पैसा आपके बिजनेस अकाउंट में चला जाएगा। अब आप परेशान हो जाओगे कि मैसेज तो आ गया, पैसा किधर रह गया, भाई दिख ही नहीं रहा, ना दिख रहा। अगला बंदा बोलेगा पैसा नहीं भेजा, अगला बोलेगा हम सक्सेस भेज चुके। आप तैयार करोगे, आपको एक दो दिन तो दिक्कत होगी। नया नया में कई ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जो इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान, माथा खपा लिया है, भाई पैसा कहाँ गया, मैसेज तो आ गया बट यहाँ पे पेमेंट जो चला जाता है आपके मर्चेंट अकाउंट पे, जो मर्चेंट अकाउंट को बहुत सारे लोग नहीं जानते क्या है तेन पेन। तो मर्चेंट अकाउंट जो होते हैं पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप, इसका रूल है वो पेमेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे सवेरे जो आपके लिंकेड बैंक है उसमें इंस्ट सेटल कर दे। कई सारे लोग का मर्चेंट अकाउंट में ऑप्शन है कि वो इंस्टेंट सेटल भी इस पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ये तो बात हो गई कैसे पैसा कैसे कहां चला जाता है। मेन मुद्दे की बात है कि हम इस प्रॉब्लम को आने से कैसे हमेशा के लिए रोके। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपके जो मर्चेंट अकाउंट है आप उसे बंद कर दो, ना रहेगा आपका मर्चेंट अकाउंट और ना ही आपका पेमेंट उस पे जाएगा, तो डायरेक्ट पेटीएम में ही आएगा। लेकिन अगर आप एक शॉप है, आपके बिजनेस है और आप मर्चेंट अकाउंट पे क्यूआर पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बंद करो या ना करो। तो कैसे मर्चेंट अकाउंट बंद करेंगे चलिए हम जानते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे ओपन करना है, आप एक का मोबाइल कंप्यूटर दोनों से कर सकते जिसमें आपको स्वेच्छा लगे, एंड यहाँ पे सर्च करना है पेटीएम बिजनेस लॉगिन। जैसे लॉगिन करोगे आपका पहला वेबसाइट आ जाएगा जिसमें business.paytmbank.com के ये वेबसाइट पे आपको आ जाना। यहाँ आने के बाद सिंपली टॉप पे देखोगे दो ऑप्शन मिलेगा, साइन इन। आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखे साइन इन पे जाएंगे एंड अपने क्रेडेंशियल यूजर नेम यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ आप यहाँ पे लॉग इन कर लोगे। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा था, मैंने लॉग इन हो गया। सिंपली लेफ्ट साइड तीन लाइन आपको दिखेंगे इस पे, यहाँ पे बिजनेस बगल में आप इस पे क्लिक करना है। इसके डाउन मेनू पे आना और सेटिंग के अंदर एक बार टैप करना है तो आपको यहाँ प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा। सिंपली आपको प्रोफाइल सेक्शन के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आओगे तो आपको पेमेंट सोर्स सेटलमेंट सेटिंग दिखेगा, इसको अगर राइट टू लेफ्ट घुमाओगे तो अकाउंट डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको अकाउंट डिटेल के अंदर चले आना है। अकाउंट डिटेल के अंदर आपके मर्चेंट अकाउंट कुछ बेसिक से डिटेल दिखेंगे, जो यहाँ पे पेन नंबर, बैट, आपके डिस्प्ले, शॉप नेम, ईटीसी, मर्चेंट आईडी दिखेंगे। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आप बोलो ये काम तो हम एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एप्लीकेशन पे ये ऑप्शन एंड्रॉइड वालों के लिए हटा दिया गया है। एंड सिंपली नीचे आने का डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना, उसके बाद आपको बोला जाएगा डीएक्टिव अकाउंट करने से आपके बिजनेस अकाउंट में लॉस होंगे, मर्चेंट पे आपको प्रॉफिट घट जाएगा, ईटीसी क्यूआर कोड एक्सेप्ट दिक्कत होगी, तो अगर आपको यूज ही नहीं करना तो आप प्रोसीड करना है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना हो जिसमें आप तीन रीजन है, अनेबल टू एड मनी, वैलिड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, पे आउट रिलेटेड इशू, शॉप बिजनेस क्लोज, आप इन तीन में से कोई एक सेलेक्ट कर मर्चेंट अकाउंट डीएक्टिवेट रिक्वेस्ट दे देंगे। तो हम पे आउट रीड मारते हैं कि शॉप मेरा क्लोज नहीं हुआ है एंड डीएक्टिवेट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डीएक्टिवेट रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा एंड यहाँ लिखेगा वी आर सॉरी टू सी यू, योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड विथ इन 2 working days, यानी 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आप पेमेंट जैसे लो आपके मेन अकाउंट में पेमेंट आएंगे। सेम इसी प्रोसेस से कर जिन भाई लोगों के पास पेटीएम का साउंड बॉक्स है वो डीएक्टिवेट कंपनी नहीं कर रही है, रिफंड नहीं रिक्वेस्ट ले रही है, तो आप इस प्रकार से मर्चेंट अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हो और पेटीएम साउंड बॉक्स चार्जेस कटने से आप बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।